हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। सो आज का वीडियो है हाउ टू स्टाइल कुर्ती इन डिफरेंट वेज। वाइट कुर्ती को हम कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, कैजुअल वेयर में, फेस्टिव वेयर में, वेडिंग्स में, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फैशन हैक्स, स्किन केयर, हेयर केयर एंड मैनी मोर। सो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो सिंपल प्लेन वाइट कुर्ती होती है उसको हम कितने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट जो स्टाइलिंग है वो हम वाइट कुर्ती को जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। नो मैटर आपकी कुर्ती की लेंथ कितनी है, वेदर इट्स लॉन्ग वेदर इट्स शॉर्ट, अगर आपके पास एक वाइट कुर्ती है तो आप इसको कैजुअल वेयर के लिए जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, स्किन फिट जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, डार्क जीन्स, लाइट वॉश जीन्स, सभी तरह के जीन्स, रिप जीन्स के साथ इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड सेकेंड स्टाइलिंग टिप इज़ टू एड अ डेनिम जैकेट। आप ना अपनी सिंपल वाइट कुर्ती पे डेनिम जैकेट ऐड करके इसको एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हो। कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए या फिर कैजुअल आउटिंग के लिए ये लुक परफेक्ट रहेगा। आप लोग इसमें शॉर्ट जैकेट भी यूज़ कर सकते हो, फुल स्लीव जैकेट भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जैकेट लेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है वाइट कुर्ती के ऊपर। सो नेक्स्ट टाइम आप लोग ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करना, ये स्टाइलिंग टिप ज़रूर ट्राई करना एंड आप एक डेनिम जैकेट इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। सो कैजुअल वे के लिए, कॉलेज के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए ये वाली स्टाइलिंग परफेक्ट रहेगी। आप लोग डेनिम जैकेट के साथ इसको पेयर कर सकते हो, ऊपर से डेनिम जैकेट ऐड करके वाइट कुर्ती को एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हो। एंड थर्ड टिप जो है वो है एड अ श्रग और एथनिक जैकेट, या तो आप एक लाइट वेट लाइट फैब्रिक का श्रग ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे करीना कपूर खान ने पहना है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो आप लोग इस तरह से कोई लाइट फैब्रिक का श्रग ऊपर से लेयर कर सकते हो, या फिर आप लोग एथनिक जैकेट भी लेयर कर सकते हो। एथनिक जैकेट लेयर करने से भी बहुत अच्छा लुक आता है एंड जो एक प्लेन वाइट कुर्ती है उसको एक वाइब्रेंट कलर का अगर एथनिक जैकेट पहनोगे तो वो उसमें फेस्टिव लुक भी देगा एंड बहुत अच्छा रहेगा। एंड वाइट ऑन वाइट आप लोग कर सकते हो, प्लेन वाइट कुर्ती को प्लेन वाइट प्लाजो के साथ या फिर शरारा के साथ, स्कर्ट के साथ, लेगिंग के साथ, और आप चुन्नी भी ले सकते हो। सो एक आपका पूरा मोनोटोन लुक क्रिएट हो जाएगा और वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल लगता है वो लुक। तो आप लोग वाइट ऑन वाइट भी ट्राई कर सकते हो। अगर चिकनकारी वर्क का आपके पास कुर्ती है तो उसमें कॉटन की प्लाजो स्कर्ट ट्राई कर सकते हो। तो ये वाली वाइट ऑन वाइट जो है ये मोनोटोन लुक भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। सो डेफिनेटली ट्राई करिएगा ये लुक भी। एंड चलिए हम लोग फेस्टिव की बात करते हैं, तो फेस्टिवल्स में भी आप प्लेन वाइट कुर्ती को स्टाइल कर सकते हो। आप एक ब्राइट कलर दुपट्टा ऐड कर सकते हो और रेड कलर का दुपट्टा प्लेन वाइट कुर्ती में बहुत 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 अच्छा लगता है। तो आप लोग ब्राइट कलर का दुपट्टा ऐड कर सकते हो, सिल्क के दुपट्टे ऐड कर सकते हो, कॉटन के ऐड कर सकते हो, या फिर जो चंदेरी फैब्रिक का होता है, वो चंदेरी स्टाइल का होता है, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। सो एक प्लेन वाइट आउटफिट को एक दुपट्टा ऐड करने की वजह से बहुत ही फेस्टिव लुक और बहुत अच्छा पार्टी लुक मिलता है। तो आप लोग पूजा में या फिर किसी के वेडिंग है तो आप लोग इस तरह का लुक ट्राई कर सकते हो। हमें कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना होता है बट बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अगेन प्लेन वाइट कुर्ती को किसी रेड स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हो या फिर रेड लहंगा के साथ भी पेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई हैवी लहंगा है एंड आप लोग इतना हैवी नहीं दिखना चाहते हो, देन लेयर आप लोग उसको पेयर करिए प्लेन वाइट कुर्ती के साथ एंड बहुत अच्छा लुक आएगा। आप इसको वेडिंग्स में ट्राई कर सकते हो, फेस्टिवल्स में ट्राई कर सकते हो। सो आप लोग इसको प्लेन वाइट कुर्ती को रेड लहंगा के साथ या फिर स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हो, फेस्टिवल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी एंड यू विल लुक ब्यूटीफुल।
और इसी तरह से आप किसी और ब्राइट कलर के स्कर्ट या फिर ब्राइट कलर के लहंगा के साथ भी प्लेन वाइट कुर्ती को पेयर कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये एक लहंगा स्कर्ट है एंड इस पे प्लेन वाइट कुर्ती को पेयर करा हुआ है, सो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड एकदम फेस्टिव वाइब देती है। तो अगर आपके पास कोई प्लेन वाइट कुर्ती है और आपको फेस्टिवल्स में पहनना है, तो आप किसी ब्राइट कलर के लहंगे या फिर ब्राइट कलर के जो फ्लेयर वाली स्कर्ट होती है उसके साथ आप लोग उसको पेयर करिए एंड ब्राइट कलर का दुपट्टा भी ले सकते हैं, तो एक फेस्टिव लुक क्रिएट हो जाएगा इन नो टाइम एंड नो एफर्ट्स। सो बहुत अच्छा स्टाइलिंग टिप है ये, आप लोग डेफिनेटली एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप लोग अगर प्लेन वाइट सिर्फ कुर्ता ही पहन रहे हो, यू डोंट वांट टू ऐड चुन्नी और श्रग और एनीथिंग, देन यू कैन ऐड दिस सिल्वर नेकलेस, जो ऑक्सीडाइज नेकलेस होते हैं थोड़े बड़े वाले, यू कैन ऐड दिस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे करीना कपूर खान ने यहाँ पे इस तरह की स्टाइलिंग करी है एंड सेलिब्रिटीज़ इस तरह की स्टाइलिंग बहुत करते हैं एंड ये हमें देखने को भी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड श्रग और एनीथिंग, आप लोग सिल्वर ज्वेलरी ऐड कर सकते हो। और आप अपनी प्लेन वाइट कुर्ती को किसी भी कलर का प्रिंटेड जो वो होता है स्कर्ट और चुन्नी, उसके साथ भी पेयर कर सकते हो। एज़ यू कैन सी यहाँ पे सारा अली खान ने पहना हुआ है एंड बहुत अच्छी लग रही है। सो अगर आपके पास कोई प्रिंटेड स्कर्ट है तो आप उसके साथ पेयर कर सकते हो एंड अगर मैचिंग दुपट्टा है देन बहुत अच्छी बात है, और अगर दुपट्टा नहीं भी है तो आप कोई प्रिंटेड स्कर्ट एथनिक स्कर्ट के साथ पेयर कर सकते हो, ये कैजुअल लुक के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड इफ़ यू ऐड दुपट्टा एंड थोड़ी सी ज्वेलरी ज़्यादा ऐड कर ली तो फेस्टिव अप्रोप्रिएट भी हो जाएगा। सो ये थी आज के स्टाइलिंग टिप्स कि प्लेन वाइट कुर्ती को किस तरह से कैजुअल वेयर में या फिर फेस्टिव वेयर में वेडिंग्स के लिए किस तरह से स्टाइल करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को इस वीडियो को कर देना लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कलर्स ऑफ लाइफ 34, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है डायरेक्ट लिंक, तो आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।